बॉलीवुड की रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर हाल ही में रेखा को बहुत प्यार देती नजर आई। रेखा के बारे में उन्होंने काफी ज्यादा बातें भी की। दरअसल मौका था रेखा के जन्मदिन का, तो उन्हें जन्मदिन पर संदेश भेजते हुए उर्मिला मातोंडकर ने बताया कि वो अब भी उनके लिए एक माँ है। जी हाँ, फिल्म कलयुग में रेखा ने उर्मिला मातोंडकर की माँ की भूमिका में जो रोल अदा किया, बॉलीवुड की डीवा रेखा ने तब से ही उर्मिला को अपनी बेटी के रूप में अपनी जिंदगी में पाया है। भले ही रेखा बुढ़ापे में बहुत अकेली हो और उनकी जिंदगी बहुत दर्द भरी रही हो, लेकिन दर्द से जुड़ा है उनका ये सच। रेखा के दर्द से वाकिफ है उर्मिला मातोंडकर। यही कारण है कि रेखा को कभी भी उर्मिला मातोंडकर ने कोई और रिश्ते से नहीं अपनाया, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपनी माँ माना। वैसे रेखा भी उर्मिला से जब भी मिलती है ऐसा लगता है मानो एक बिछड़ी हुई माँ को बेटी मिली हो। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, रेखा अपनी बिछड़ी हुई बेटी से जब मिली तो किस तरह उन्हें गले लगाकर प्यार देती आई है। हम आपको अपने इस खास रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे कि रेखा और उर्मिला मातोंडकर का रिश्ता हमेशा से इतना ही गहरा रहा है। बॉलीवुड से दूरी रेखा नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर ने भी बना ली है। जिस तरह से रेखा और उर्मिला मातोंडकर फिल्म इंडस्ट्री से दूर होकर भी मिलने पर एक दूसरे से बिल्कुल माँ बेटी वाला रिश्ता ही अपनाती है, कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से रेखा की जिंदगी हमेशा अकेली ही चलती आई है, एक हमसफर और बच्चे की जो कमी रेखा की जिंदगी में है, उन कमियों को पूरा करने के लिए उर्मिला मातोंडकर खुद को उनकी बेटी मानती है। अपनी ऑन स्क्रीन माँ को हमेशा माँ की तरह प्यार देती है उर्मिला। तो वहीं आपको बता दें, उनके बर्थडे पर रेखा की खूबसूरती की तारीफ कर उर्मिला ने बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने लिखा, स्टाइल, सब्सटेंस और एलिगेंस के लिए और फैबुलस परफॉर्मेंस के लिए जिसे वो जानती है वो सिर्फ रेखा है। लोग कुछ भी कहे, कुछ भी लिखे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में रेखा की जगह सबसे खूबसूरत और सबसे सच्चे दिल वाली एक महिला के रूप में होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।